नमस्कार। आनंद सूत्रम की इस व्याख्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम चैप्टर सेकंड ऑफ आनंद सूत्रम द्वितीय अध्याय की चर्चा शुरू करेंगे। अभी तक हम पहला भाग समझ चुके हैं, जिसमें ब्रह्मचक्र के बारे में हमने जाना समझा, और अब इस चैप्टर में हम धर्म एंड नेचर ऑफ यूनिवर्स, ये इस पूरे चैप्टर की विशेषता है कि धर्म दरअसल क्या है और नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड कैसा है, उसके क्या लॉज हैं और वो लॉज किस तरह से मनुष्य जीवन पर भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि मनुष्य मिनिएचर यूनिवर्स है ऐसा कहा जाता रहा है। तो मनुष्य के ऊपर भी वही नियम है और कॉस्मोस के ऊपर भी, इस बृहद संसार के ऊपर भी, वर्ल्ड के ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं। तो आइए पहले सूत्र को सुनते, पढ़ते और समझते हैं। तो चैप्टर सेकंड का पहला सूत्र है अनुकूल वेद नियम सुखम। अनुकूल वेदना ही सुख कहलाती है। तो सुख की परिभाषा है ये। सुख किसे कहेंगे हम? सुख की दौड़ में मनुष्य जीता है और सुख की लालसा में ही अपने जीवन में भाग दौड़ करता रहता है। तो ये सुख दरअसल है क्या? अब दर्शन की दृष्टि में ये सुख क्या है? यहां पे लगे हाथ एक बात कहना बड़ा जरूरी, मैं पर्सनली समझता हूं कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस चैप्टर में और फिर आने वाले चैप्टर्स में भी सुख के साथ साथ दुख का जिक्र कहीं नहीं किया है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है और गौर तलब बात है, क्योंकि जनरली अभी तक जितने भी दर्शन हैं, जितने भी इवन साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं, वो जॉय एंड सोरो, आशा निराशा, सुख दुख, इस तरह से पेयर्स में चीजों को देखते आए हैं और इन कॉन्सेप्ट को इस तरह से पेश करते आए हैं कि जहां सुख है वहां दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात कि भारत के इतिहास में, या यूं कहें विश्व के इतिहास में, आज से 2500 साल पहले एक ऐसे दर्शन का आविर्भाव हुआ जो दुखोन्मुख ही रहा, जिसका आधार दुख था। मैं बौद्ध दर्शन का जिक्र कर रहा हूं। बौद्ध दर्शन में स्टार्टिंग पॉइंट ही दुख है और दुख के कारण की चर्चा है और दुख से निजात कैसे मिले, दुख से फ्रीडम कैसे मिले, इसकी चर्चा है। तो पिछले 2000 सालों में इसका जो गलत असर लोगों पर पड़ा, साधकों पर पड़ा, वो अपने आप में विचार करने लायक है। और मैं यही समझता हूं कि यही वजह है कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दुख का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, सुख से बात शुरू की और उसको, उसका जो रूट है वो आनंद है, जिसका जिक्र तीसरे सूत्र में आता है, आनंद तक लिया और सुखम अनंतम आनंदम, इस तरह का सूत्र तीसरा सूत्र है। तो ये अपने आप में बहुत ही आशावादी बात है, क्योंकि दुख का अनुभव तो सबको होता है और दुख से फ्री होने की कोशिश में मनुष्य सुख की तलाश में भटकता रहता है, ऐसी भी एक धारणा है। लेकिन कॉन्शियसली भी मनुष्य सुख चाहता है, कॉन्शियसली भी मनुष्य सुख की तरफ भागता है, उसका जो नेचुरल डिजायर है वो सुख पाने का है। यही बात दूसरा सूत्र भी कहता है। मैं लगे हाथ ही आने वाले सूत्रों की भी चर्चा कर बैठा हूं, क्योंकि ये कनेक्टेड ही है। पहले दूसरा, तीसरा, इवन उसके बाद चौथा सूत्र, सबका आपस में धीरे धीरे एक लिंक है। तो सुख का, सुख की परिभाषा, यहां पर मैं एक पश्चिम के विचारक, उनका जिक्र करना चाहूंगा। बहुत वर्ष पहले मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी, बर्ट्रांड रसल, एक बड़े फिलोसोफर रहे हैं वेस्ट में, और उनकी एक पुस्तक भी है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस पर विजय, माने हैप्पीनेस पर, हैप्पीनेस की शिखर पर पहुंचने की कोशिश। अब उन्होंने भी सुख को आधार मानते हुए कि सुख जब नहीं मिलता है वो किन कारणों से नहीं मिलता है, इसकी चर्चा उस पुस्तक में की है। लेकिन धीरे धीरे वो पहुंचे हैं सुख के शिखर पर।
कि अनंत सुख या हैप्पीनेस इन एबंडेंस इसकी चाहत मनुष्य की है, वो भी वहीं पहुंचे हैं। क्योंकि दर्शन की दृष्टि से जब आप किसी विचार के गहराई में जाते हैं तो आपके डिडक्शंस या आपके जो एंड रिजल्ट हैं वो करीब करीब एक जैसा ही होता है। तो आज पूरे विश्व भर में जितने सेल्फ हेल्प टीचर्स हैं, सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, वो इसी हैप्पीनेस के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार पुस्तकें लिख रहे हैं। और हैप्पीनेस का सोर्स मटीरियल हैप्पीनेस तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी इमोशन की जगत में, इंटेलेक्ट के जगत में और आत्मा के जगत में हैप्पीनेस खोजने की बात अब चारों तरफ से विश्व में जो समाज गुरु हैं, जो थिंकर्स हैं, वो कर रहे हैं। और ये हमारे देश की तो पुरानी खोज है, और इस नए दर्शन में आनंद सूत्रम में भी यहां पर सुख से फिर धीरे धीरे आनंद तक पहुंचने की बात है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, क्या है सुख, कैसे समझेंगे कि सुख को अगर हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? तो यहां गुरुदेव यही कहते हैं कि जीव में या मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य के सुख की बात, इवन प्लांट और एनिमल्स के सुख की भी बात है, उनका जो मेंटल वेव्स है, मानसिक तरंग है, भीतर के मानसिक तरंग जब बाहर किसी ऑब्जेक्ट या किसी जीव के अनुकूल मानसिक तरंग के साथ मिलते हैं या एक दूसरे के साथ संपर्क आता है, एक दूसरे का मिलन होता है, इधर के भी वाइब्रेशंस का और बाहर के भी वाइब्रेशंस का, इनर वाइब्रेशंस जीव की या मनुष्य की और बाहर वाइब्रेशन किसी ऑब्जेक्ट की या किसी जीव की, माइंड बॉडी की, तो वो जब पैरेलल हो जाते हैं, समानांतर होते हैं, तो सुख का अनुभव होता है। तो सुख का अनुभव एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ये बैकग्राउंड का होना आवश्यक है। अब देखिए इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने पहले के चैप्टर में चित्त, अहम और महत्व का पठन पाठन किया और हमने समझा कि माइंड के ये तीन चेंबर्स हैं, चित्त, अहम और महत्व। और क्रूड माइंड अगर कुछ चाहता है तो वो इंद्रियों के जरिए उसको पाने की चेष्टा करता है। यानी मान लीजिए मन कुछ अच्छा देखना चाहता है, मन अच्छा देखना चाहता है तो आंखों के जरिए उसको देखना होगा, चक्षु इंद्रिय यहां काम करेगी। तो बाहर का कोई सुंदर वातावरण या बाहर का कोई ऐसा रूप जिससे इस व्यक्ति का प्रेम है, वो और हमारा मन जब एक साथ ही समानांतर होंगे तो सुख की अनुभूति होगी। इसी तरह कर्णेंद्री के साथ मन कुछ चाहता है सुनना, कुछ शब्द सुनना चाहता है, कुछ संगीत सुनना चाहता है या कोई विचार सुनना चाहता है या ऐसा ही कोई दर्शन पे चर्चा सुनना चाहता है, तो वो मन की चाहत है। और मन की ये चाहत कर्ण इंद्रिय से बाहर से जब भीतर की तरफ एक समानांतर वाइब्रेशन होगा तो उस समय का जो अनुभव होगा वो सुख कहलाएगा। इसी तरह हम मन के सारे डायमेंशंस को सुख के साथ जोड़ सकते हैं और यही देखते हैं कि जब अंतर जगत का स्पंदन बाह्य जगत के स्पंदन के साथ पैरेलल है तो सुख का अनुभव होता है। और कई बार जब पैरेलल नहीं होता तो सुख का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि गुरुदेव नहीं चाहते कि दुख की चर्चा हो, तो हम भी इस मामले में यही कहेंगे कि ठीक है, दुख की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह सच है कि सुख का अभाव ही खटकता है, सुख की चाहत है और सुख नहीं मिलता है तो उसे हम दुख कहेंगे। तो दुख अपने आप में कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, दुख अपने आप में किसी का एब्सेंस है। तो दुख बेसिकली अंधेरे से तुलना की जा सकती है, प्रकाश एक विधायक चीज है, प्रकाश में बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रकाश की एब्सेंस या प्रकाश का न होना अपने आप ही अंधेरा क्रिएट करता है, अंधेरे के वातावरण को क्रिएट करता है। लेकिन अंधेरे का अपना अस्तित्व हुआ क्या
क्या हम कह सकते हैं कि अंधेरे का अपना अस्तित्व है? जरा सा दिया जला दो, जरा सी रोशनी जगमगा दो, वो अंधेरा चला जाता है। तो इसीलिए अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक यही एग्जाम्पल दुख के साथ बोली जा सकती है कि दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यहां सुख आया, दुख गया। तो सुख के आने से, सुख के मौजूद होने से ही हमें अच्छा लगता है और हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। और यही बात इस चैप्टर के दूसरे सूत्र में कहा गया है, सुखानुरक्ति परमा जैवी वृत्ति। सुख की अनुरक्ति, सुख पाने की इच्छा, ये सबसे परम जैवी वृत्ति है। जीव की सबसे इंपॉर्टेंट वृत्ति है सुख, द डिजायर टू हैव हैप्पीनेस। नोबडी वॉन्ट्स टू हैव अनहैप्पीनेस, मिजरी। हम मिजरी की आकांक्षा नहीं करते हैं, हम दुख की इच्छा नहीं करते, हम इच्छा करते हैं सुख की। और सबसे चरम, सबसे परम वृत्ति यही है मनुष्य की, यही नेचर ऑफ दिस मिनिएचर यूनिवर्स है। और इवन अगर हम इसको पूरे बड़े यूनिवर्स से देखें और कंपेयर करें, तो हम वहां क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि ये जो खिलावट है जीवों की, ये जो फूल खिलते हैं, ये जो नदियां बहती हैं, ये जो बादल टहलते हैं, बरसते हैं, वर्षा होती है, दूर दूर तक हरियाली छाई रहती है, ये जो अनेकों अनेकों जीव पैदा हो रहे हैं, जो अलग अलग रंग से पूरा विश्व ब्रह्मांड भरा पड़ा है, ये उस कॉस्मिक माइंड के सुख की ही अभिव्यक्ति है। वो सुखी है, वो सुख से चल रहा है, उसके अंदर सुख अधिक मात्रा में है। इसीलिए ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें अभी प्रकाशित हो रही हैं। हम चूंकि मनुष्य हैं और अपने स्तर पे चीजों को देखेंगे, तो हम भी बुनियादी तौर पे इसी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। इसी सुख को पाने की वृत्ति हमारी सबसे प्रबल वृत्ति है। तो ये सुख कहां कहां से मिलता है? ऐसे हमने थोड़ी देर पहले मनुष्य का जो पूरा ढांचा है उसको समझा, तो पाया कि इंद्रियों से शुरू होता है, फिर चित्त है, फिर अहम है, फिर महत है, फिर पीछे साक्षी भाव आत्मन है। तो सुख इंद्रियों से शुरू होगा, कान है, आंख है, जुबान है, हाथ है, पैर है, ये शरीर है, ये पंचभूत से बना हुआ ये जो शरीर है, ये सुख की कामना करता है। और जहां जहां जैसे जैसे इन अलग अलग इंद्रियों से उसे जो सुख मिलता है, उसके पीछे ये शरीर दौड़ता है, क्रिया करता है और फिर पाता है, संतुष्ट होता है। जब हम और डिटेल में धर्म को समझते हैं, तो हम धर्म के चार इच्छाओं को, चार ऐषणाओं की बात करते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो इन चारों के साथ अगर हम सुख को लगा दें, पैरेलल खड़ा करें, ये चतुर्वर्ग है और ये सुख है। तो काम के जगत में सुख चाहिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों में हमें आहार चाहिए, अच्छा आहार चाहिए। केवल खा लेने से, पेट भर लेने से आनंद नहीं आता या सुख नहीं मिलता है। मनुष्य की कोशिश रहती है कि अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, सात्विक खाएं, और उससे ऐसे बोलते भी हैं, आहा हा हा, आनंद आ गया, खा के आनंद आ गया। क्योंकि आनंद का ही वो सूक्ष्म पार, आनंद का ही वो थोड़ा सा हिस्सा है सुख। इसीलिए आहार से सुख, फिर निद्रा से भी सुख मिलती है, थका हुआ शरीर सोता है तो उसको भी अच्छा लगता है। भय से सुख मिलता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भय मौजूद है और भय की वृत्ति भी कभी कभी आपको बचाती है, उस बचाव में आप सुखी महसूस करते हैं। इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन इनसिक्योरिटी से लड़ते हुए जब आप सिक्योर होते हैं, जब आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो आप सुखी होते हैं। ठीक उसी तरह जो चौथी वृत्ति है प्रोक्रिएशन की, उसमें भी सुख तो शामिल है ही। तो काम के जगत को लेकर जब हम देखते हैं, यानी इंद्रियों से मिलने वाला सुख इस तरह से हमें सुखी रखता है और हमें अच्छा लगता है। ये जो कंजीनियल फीलिंग है भीतर, ये जो हृदय में भी कुछ कुछ होता है और पूरा शरीर मन हमारा पॉजिटिव रहता है, वो इसी वजह से कि हमने सुख को पाया। तो सुख को पाना हमारी परमा जैवी वृत्ति है। ठीक ऐसे ही अर्थ के जगत में जब हम
सुख को सामने रख के एनालाइज करते हैं तो घर बनाना, परिवार बनाना, पैसा इकट्ठा करना, धन संचय करना और उसका उपयोग करना परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए और जिस कार्य से आप रोजी रोटी चलाते हैं उसमें सुख पाना, उसमें अच्छा लगना। ये अक्सर देखा जाता है कि जो लोग वो काम नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं तो उन्हें उस काम में सुख भी नहीं मिलता। ये हम सब अपने रियल लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में देखते हैं ना। तो प्रोफेशन भी आपका वही हो जो आपको थोड़ा आनंद दे, जो थोड़ा आपको सुख दे। 6-8 घंटे 12 घंटे जिस काम में बिताने हैं उस काम को करते हुए हमें मजा आना चाहिए, हमें सुख का बोध होना चाहिए, तभी उस प्रोफेशन में भी वो व्यक्ति देर तक टिका रहता है और तभी उस प्रोफेशन से मिलने वाला जो धन है उसमें भी वृद्धि होती रहती है और तभी वो ऐसा कह सकता है कि हाँ मैं अपने काम से खुश हूं, अपने रोजगार से खुश हूं। पैसे चाहे कम मिले लेकिन वो खुश रहता है क्योंकि वो काम का आनंद ले रहा है, वो अपने प्रोफेशन का आनंद ले रहा है। तो ये इस तरह के अर्थ के साथ सुख को जब सामने रखा गया तो इस तरह से एक अध्ययन हुआ। ठीक ऐसे ही धर्म, ये वैसे भी आने वाले सूत्रों में ये डिटेल पॉइंट्स हैं कि धर्म भी सुख की ही खोज है, धर्म भी उस अनंत सुख की खोज है और मोक्ष तो उस सुख में परमानेंटली रहना, परमानेंटली उस अनंत सुख में, उस अनंत आनंद में मौजूद रहना, ये मोक्ष की अवस्था हो जाती है। तो दूसरे सूत्र में हमने ये पाया, ये समझा कि जो हमारी बुनियादी जैवी वृत्ति है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जैवी वृत्ति है, वृत्ति यानी प्रोपेंसिटी, जैवी यानी जीव का, वो सुख को पाना है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, हैप्पीनेस, इन सब को हम सुख पाने का प्रयास कहेंगे। अब तीसरा सूत्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है और इन्हीं बातों का एक्सटेंशन है, सुखम अनंतम आनंदम, सुख की अनंत मात्रा आनंद कहलाती है। अब यह भी एक इंपॉर्टेंट वृत्ति है मनुष्य की कि वो थोड़े से सुख से संतुष्ट नहीं होता, उसे इनफाइनाइट सुख चाहिए, उसे अनलिमिटेड सुख चाहिए, उसे एबंडेंस में सब चाहिए। अगर थोड़ा सा सुख पाया है और वो सुख छीन लिया जाता है तो मनुष्य निराश होता है, सीधे सीधे दुखी हो जाता है और कहता है कि देखो अभी सुख का मजा लिया ही नहीं कि फिर से ये दुख ने घेर लिया या अंधेरे ने पकड़ लिया। तो क्या वजह है इसकी, सुख का जो टाइम है वो छोटा क्यों लगता है? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों और मन से ही सुख को पा रहे हैं, हम छोटे दायरे में सुख को पकड़ रहे हैं, जबकि सुख है आनंद का हिस्सा और इस आनंद को पाया जा सकता है। ये अनंत सुख हमारे ही भीतर है, ये अनंत सुख की प्यास हमारे ही भीतर है और हम उस अनंत सुख को पाते, पाए या नहीं पाए, लेकिन हम उसकी तरफ दौड़ते जरूर हैं। कई बार हमारी दौड़ गलत हो जाती है, जो बात फिर अगले सूत्र में एक्सप्लेन्ड है। हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं, मान लीजिए भोजन से, तो ये एक दोष है। भोजन से अनलिमिटेड हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। भोजन आपको थोड़ी देर के लिए सुख देगा, भूख आपकी मिट गई, पेट भर गया, उसके बाद आप कितना ही खाएं आप नहीं खा सकते। कई बार हम बोलते हैं कि मन नहीं भरा, पेट भरा है, लेकिन आपका पेट इसलिए भरा है क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्कोप है हैप्पीनेस को पकड़ने का। ठीक ऐसे ही आप सारे हैप्पीनेस के डायमेंशंस को एग्जामिन करते जाइए, इवैल्यूएट करते जाए, तो आप पाएंगे कि किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस दे। हम प्रेम से हैप्पीनेस चाहते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध आपको हैप्पीनेस देते हैं या दोस्तों के संबंध हैप्पीनेस देते हैं या परिवार में भाई भाई का प्रेम है या पिता पुत्र का प्रेम है, माता पुत्री का प्रेम है, हर तरह के प्रेम के संबंध में हम चाहते तो सुख ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंस्ट्रूमेंट है सुख का ये इतना विशाल नहीं है, उसके अपने दायरे हैं, उसके अपनी सीमाएं हैं,
वो सीमित सुख ही देगा, वो आपको पूरी तरह से भर नहीं सकता। वो किससे भरा जाएगा, वो क्या है जिससे हमें अनंत सुख मिलेगा, ये इस चैप्टर का चौथा सूत्र है, उसे हम अगली बार डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना काफी है कि सुख की परिभाषा और मनुष्य के भीतर सुख की जो वृत्ति है वो सबसे चरम वृत्ति है, सबसे परम वृत्ति है, और अनंत सुख आनंद है। आनंद की खोज स्वाभाविक खोज है, लेकिन हम गलत तरीके से आनंद को पाने की कोशिश करते हैं या डिजायर रखते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं तो हमें आनंद मिलेगा, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं तो हमें आनंद मिलेगा, हम पैसे वाले बन जाएं, हम नामवर बन जाएं, हम यशस्वी हो जाएं, इस तरह की जो दौड़, इस तरह की जो कामनाएं हैं, हम सोचते हैं कि हमें अनंत सुख ऐसे मिलेगा, जबकि ये सभी आपको अनंत सुख देने में फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर डिजायर है। तो इस डिजायर को हम क्या बोलेंगे, ये डिजायर जो है ये मिसलीडिंग डिजायर है, हम मिसलेड हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो जाएं तो शायद हम अनंत सुख पाएंगे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, बहुत बड़ा धनवान बनने के बाद भी आपके भीतर चेंज नहीं आता, क्योंकि आप जिस इंस्ट्रूमेंट से धन का भोग करेंगे वो सीमित है। आप एक वक्त में थोड़ा ही धन खर्च कर सकते हैं, और धन का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको लोग चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, तरह तरह के काम चाहिए, तो उसमें आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है, और उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में कई बार आप दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, घृणा से भरते हैं, बहुत सारी अंतर जगत की समस्याएं आपके सामने आती रहती हैं, और फिर आप हार जाते हैं, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे इस एरिया से अनंत सुख नहीं मिलेगा। तो क्या है वो अनंत सुख? तो ये नेचर ऑफ यूनिवर्स है, हमारे भीतर अनंत सुख की प्यास है, और जहां प्यास है वहां कुआं भी है, वहां पानी भी है, पानी आ जाता है, पानी मिल जाता है, पर ये प्यास होनी चाहिए अनंत सुख की। और जब तक आदमी अनंत सुख के लिए केवल संसार में दौड़ता भागता है, तब तक वो आनंद पाने का हकदार बनता नहीं है। आनंद पाने का हकदार बनने के लिए उसे अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, अपने अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ता है, और वहीं आनंद का स्रोत है, वहीं आनंद का झरना है, वही है जो आपको तृप्त कर सकता है, वही है जो आपकी अनंत सुख पाने की प्यास को बुझा सकता है। तो उसे कैसे पाया जाए और उसे पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये आगे के सूत्रों में हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।